वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ वाइटनिंग फार्मूला शेयर करने वाली हूँ। गाइस, ये फार्मूला बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें हम सादा सी सिंपल सी दो तीन क्रीमें ऐड करेंगे, और अगर आपके फेस पे एक्नी है या फिर पिंपल के निशानात हैं या फिर आपका कलर डल है, तो इंशाल्लाह ये आप मेरा फार्मूला ट्राई करें। आपका 4 से 5 दिनों में आपको इसका वाजिया रिजल्ट भी मिलेगा, और आपकी स्किन को ख़राब भी बिल्कुल नहीं करेगा। ये बहुत सस्ता और बहुत सादा फार्मूला है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। चले स्टार्ट करते हैं वीडियो। फार्मूले को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्रीम जो लेनी है वो है प्योर वाइट। ये ना सिर्फ आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइट करती है, बल्कि आपके फेस पे जो दाग धब्बे हैं, एक्नी के निशानात हैं, उनको भी ख़त्म करती है। इसको हम एक डिब्बी तैयार करने के लिए हाफ इसके अंदर प्योर वाइट हाफ इसके अंदर ऐड करेंगे। चीज़ जो हमें चाहिए वो है संदल, संदल ब्यूटी क्रीम। संदल ब्यूटी क्रीम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और ये बहुत ज़्यादा हार्श केमिकलों से नहीं बनी। हाफ ही हमने संदल इसके अंदर ऐड कर ली। जितनी आपने प्योर वाइट इसमें ऐड करनी है, उतनी आपने इसके अंदर संदल ऐड करनी है। तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है लाजमा। लाजमा थोड़ी सी वाइटनिंग के लिए भी अच्छी है, और चाइयों के लिए ख़ास तौर पे यूज़ की जाती है। और इसके बारे में पूरी डिटेल आपके साथ नहीं शेयर करती, लेकिन हाँ, ये आप मिक्स क्रीम में यूज़ करेंगे तो मिक्स क्रीम का रिज़ल्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा। ये हम करेंगे। ये हमने कितनी यूज़ करनी है ये आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। ज़्यादा हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ी सी तेज़ होती है। और हाँ, ये फार्मूला जो है ये सॉफ्ट स्किन वाले ना लगाएं। सॉफ्ट स्किन वालों ने अगर यूज़ करना है तो वो लाजमा को स्किप कर दें, फिर वो कर सकते हैं यूज़। और हाँ, जो लोग जिनकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है और बहुत ज़्यादा रफ़ है, वो इसमें थोड़ी सी क्लोबो भी ऐड कर सकते हैं। और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वो क्लोबो को भी स्किप कर दें। इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। जी फ्रेंड, इसको हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्सिंग इसकी बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए, ताकि ये एक जहाँ हो जाए। कम से कम आपने इसको 5 मिनट मिक्स करना है। इसको यूज़ करने का तरीका कार ये है कि आप किसी भी डिब्बी में इसको सेव करके रख लें, और रात को सोते वक्त आप बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल जैसे हम फेयर एंड लवली यूज़ कराते हैं, वैसे आपने बिल्कुल हल्की सी यूज़ करनी है। आपने फेस पे लेप नहीं करना, और ज़्यादा क्वांटिटी में आपने इसको अप्लाई नहीं करना। बहुत कम क्वांटिटी में आपने इसको अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आप 3 से 4 दिनों में आपका कलर बहुत ज़्यादा नीट और वाइट हो जाएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त।